नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। किसान हो या महिला, शिक्षक हो या बेरोजगार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर किसी की सुध ली है। द एंगल सरकार का एक साल पूरा होने पर अपनी खास सीरीज गहलोत राज के जरिए सरकार के उन कार्यों और योजनाओं को आप तक पहुंचा रहा है जिनका लाभ आपको मिल रहा है। जी हाँ, हमारे इस खास सीरीज में आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के उन फैसलों के बारे में जिनके बाद बेरोजगारों के माथे की शिकन हट गई और चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। देखिए खास रिपोर्ट। अशोक गहलोत बेरोजगारों के बने मसीहा, बेरोजगारों को सरकार ने दिया तोहफा, सीएम गहलोत ने चलाई युवा संबल योजना, युवाओं का समझा दर्द, युवाओं ने की इस योजना की जमकर सराहना। 17 दिसंबर को प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार अपना एक साल पूरा करने जा रही है। इस एक साल में सीएम गहलोत ने कई अभूतपूर्व फैसले किए हैं। किसी भी राज्य की तरक्की का एक बड़ा कारण वहां के युवा होते हैं, लेकिन यदि वही युवा अपने सरकार से खुश ना हो तो प्रदेश या देश का विकास होना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को जानते हैं। सीएम गहलोत ने अपनी सरकार बनते ही बेरोजगार युवाओं के पक्ष में फैसला लिया। सीएम ने बेरोजगारों का दर्द समझते हुए उनके लिए भत्ता योजना शुरू की। प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत राज्य के ग्रेजुएट या इसके समकक्ष की पढ़ाई कर चुके बेरोजगार युवकों को हर महीने 3,000 रुपए बतौर भत्ता दिए जा रहे हैं। वहीं दिव्यांग और बेरोजगार महिलाओं के लिए यह राशि 3,500 रुपए प्रति माह है। केंद्र की खराब नीतियों के कारण बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी की समस्या जंगल की आग की तरह नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत की ये पहल बेरोजगारों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। एक साल विकास का, एक साल तरक्की का, एक साल सुशासन का, एक साल उन्नति का, एक साल बढ़ते मान सम्मान का, एक साल नए राजस्थान का, एक साल गहलोत राज का। देखना ना भूलें द एंगल की खास सीरीज हर शाम 4 बजे।